कल विदिशा की भी एक खबर दिखाई थी। किसकी खबर थी? पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में कैसे लोग कीचड़ में बैठे थे, कैसे कीचड़ से सने थे, आपको बताया था ना। सवाल था, सवाल पूछा था कि भैया क्यों बैठे, सवाल इस पर भी उठे थे। विदिशा में कथा पंडाल में कुछ बदला कि नहीं, ये पता लगाने हमारे सहयोगी सूरज तिवारी आज विदिशा पहुंचे हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए सूरज तिवारी की। ऐसा नहीं है कि कल मैंने खबर दिखाई हाथरस वाली खबर पुरानी हो रही है तो तिवारी जी अब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, बस अब कोई लेना देना नहीं। नहीं, आज क्या स्थिति है विदिशा में प्रदीप मिश्रा के पंडाल में, ये दिखाइए सूरज तिवारी की। ये गंभीर पड़ताल करने वाली रिपोर्ट दिखाइए। विदिशा की ये भीड़ आप देखिए, जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही है, जहां से मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, इससे 2 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो वहां पर पंडाल लगा है और वहीं पर कथा हो रही है, कथा का समापन हुआ है। और जो भीड़ निकल रही है वो आप किस तरह से निकल रही है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से, ये एक लोडिंग वाहन होते हैं, ऐसे वाहन में किस तरह से लोग भर भर के जा रहे हैं। तो दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी एक बड़ा सा पंडाल नजर आएगा, लगभग 200 फीट लंबा ये पंडाल नजर आएगा। और यहां पर भक्तों की जो भीड़ है, भारी भीड़ नजर आएगी। कीचड़ है, कीचड़ क्यों है, बारिश हो रही है लगातार, बारिश होने के कारण, क्योंकि ये तंबू लगे हैं, तंबू कहीं ना कहीं से लीक हो रहे होंगे। ये तस्वीरें देखिए पंडाल की अंदर की तस्वीरें हैं, कथा खत्म हो चुकी है, कथा खत्म हो चुकी है, बावजूद उसकी इतनी भीड़ है। सोचिए जब कथा चलती होगी तब यहाँ पर कितनी भीड़ रहती होगी। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, लोग इसी को पार करके उस पार जा रहे हैं। कल बागेश्वर वाले बाबा से बात हुई थी, सीधे पूछा था भीड़ आ गई तो पहले अपने सोशल मीडिया में और फिर हमारे सहयोगी से बात की थी। और क्या प्रदीप मिश्रा से विस्तार न्यूज नहीं पूछेगा, इस भ्रम में मत रहिएगा। प्रदीप मिश्रा से भी सवाल हुआ है, पंडाल में कैसी व्यवस्था ये तो दिखा दी, लेकिन इस कथा में पहुंचे लोगों से जब विस्तार न्यूज ने बदहाली पर सवाल पूछे तो सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा से भी बात की है, सीधे मुद्दे की बात में वो सब कुछ दिखाऊंगा जो आप जानना चाहते हैं। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं पहले ये सुनाइए, फिर सुनाऊंगा कि प्रदीप मिश्रा, पंडित प्रदीप मिश्रा क्या कह रहे हैं। सुनाइए पहले लोग क्या कह रहे हैं। भगवान चाहिए तो कोई परेशानी नहीं है, सब सही है, कोई परेशानी खावे पीवे की कुछ भी परेशानी नहीं है। पंडाल में सब कुछ आ रहा, उधर वो लगा टेंट, वो भोजन, पहले दिन व्यवस्था नहीं वैसी है, पानी भरेगा, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बढ़िया व्यवस्था तो बढ़िया, मुरम भी डर गई है अभी। अच्छा। जो पानी भर गया था तो नाली निकाल दी बगल से, सब सही। कथा सुनने वाले, आस्था रखने वाले पंडित बाबाओं को ही ईश्वर मान लेते हैं और इसलिए कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, ईश्वर करे सब कुछ ठीक रहे। लेकिन पंडित जी आप क्या कह रहे हैं, आप क्या अपील कर रहे हैं, आप क्या सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं, सुनाइए जरा। पंडित मिश्रा से मेरे सहयोगी सूरज तिवारी ने बात की है और सीधे आपसे जुड़ी खबर है, ये भीड़ है, सावधान और चेतावनी करने वाली खबर है कि मैं आपको सावधान कर रहा हूं, आपकी चिंता कर रहा हूं, रोज कहता हूं आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है, इसलिए सीधे सूरज तिवारी ने किससे बात की, पंडित प्रदीप मिश्रा से। सुनाइए जरा क्या कह रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की विदिशा में कथा चल रही है, हमारे साथ खुद पंडित प्रदीप मिश्रा जी मौजूद हैं। हाथरस में एक बड़ी घटना हुई है, उसके बाद आपने तय किया कि 4 दिन की कथा चलेगी, फिर आप कथा कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए कथा का क्रम 4 दिवस पर विराम दे दिया गया था और आज बहुत अच्छी व्यवस्था समिति ने, प्रशासन ने बहुत सुचारू रूप से करी, जिसके चलते हुए आज का कथा का कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ। तो भक्तों से क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं आगे सामने ना आए। एक तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि इंसान को भगवान ना बनाए, भगवान को भगवान रहने दे, देवदिदे महादेव को, मेरे नारायण को, मेरे राम को, कृष्ण को भगवान रहने दे, इंसान स्वयं भगवान ना बने। दूसरा, एक दूसरे को सहयोग की भावना रखें, जो हुआ है उसके अंतर्गत अब जो हो गया उसको तो अपन नकार नहीं सकते, पर आने वाले समय को देखते हुए जहाँ भीड़ वाली जगह होती है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड जगह होती है, उस जगह पर ना जाएं। ये हमारे साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी मौजूद थे, कैमरा पर्सन दीपक के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज़। कह देते भाई कि कम ही लोग आइए, बारिश है, कीचड़ है, पटरा लगाया गया है, लकड़ी के पतले पतले पटरे, कह देते, बोल देते ना, क्या जरूरी है इतना, जब एक इतना बड़ा हादसा हो गया है। कैसे कैसे पंडित जी लोग हैं, कैसे कैसे मतलब
कथावाचक हैं जिनको भीड़ और रेला और जनता का इस तरह से मेला ही ठीक लगता है।